नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन्स एंड नेचर। आज का ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, तो जरूर पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। मुझे लगता है आप लोग जरूर एंजॉय करेंगे। आज इस वीडियो में एक नया हॉबिस्ट मिस्टर मरेज, उनका चैनल है एक्वाटिक जोन, उनको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। उनके साथ कोलैबोरेशन में मुझे काफी सारा वीडियो बनाने का मन है, क्योंकि उनका चैनल नया है और काफी अच्छा वीडियो वो बना रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, उसी तरह से मैं आशा करता हूं कि आप उनको भी सपोर्ट कीजिएगा और उनका चैनल को जरूर एक बार देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहां पे जाके उनका चैनल को देख सकते हैं। अगर वीडियोस उनका अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए उनके चैनल को भी, और साथ में मेरे इस चैनल को भी। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कीजिए, बाजू में रखा हुआ बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा और ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो रिलीज करूं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। तो आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उनके साथ मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करूंगा, थोड़ा उनका एक्सपीरियंस जानूंगा किस तरह से रहा, किस तरह का टैंक वो बनाना चाहते हैं, किस तरह का प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जहां तक मैंने अब तक उनका वीडियो देखे हैं, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। मिराज जी, आपको बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे। और थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आप कैसे हैं अभी, कैसा मैं चल रहा है? बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताएं आप कैसे हैं? बढ़िया सर, वही लॉकडाउन में जैसा भी है। लॉकडाउन में जैसा भी बस, है बस, बस, बस। तो आपके वहाँ पे लॉकडाउन का क्या चल रही है? ओके ओके सर, थोड़ा बहुत स्मूथनेस है, काम वगैरह में इजी हो गया है, बाहर आना जाना चल रहा है, लेकिन फिर भी रिस्की है तो अवॉइड करता हूँ ज्यादातर बाहर जाना, क्योंकि अब भरोसा नहीं है सर किसको क्या है, यू नो कह नहीं सकते हैं, तो कोशिश करता हूँ ना जाऊं। लेकिन अगर आप माहौल देखें बाहर का तो नॉर्मल है, जाते हैं बाहर निकल रहे हैं। जी हाँ, वो भी सही है। क्या हाल है? बस यहाँ पे तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है केसेस, वही एक प्रॉब्लम है, देखते हैं आगे कैसा चलता है। भी केसेस के हाल तो यहाँ पे भी है सर, वर्स्ट है। पहले आई थिंक यूपी में इतने केस नहीं थे, लेकिन आज इंडिया में टॉप पे पहुंच रहा है मेरे ख्याल से। आई होप जल्दी इम्प्रूव हो। सही में। ओके, तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि आप नए हैं इस, मतलब इस चैनल पे। आपका हॉबी तो बहुत दिन पुराना है जहां तक मुझे मालूमात है, तो चैनल आपका अगर आपसे कंपेयर करो सर, आपसे कंपेयर करो तो मैं नया ही हूँ सर। ओके, तो पहला बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, मेरा जी प्लीज सर मत कहिए, मुझे बहुत हेजिटेंट लगता है, आप मुझे भाई कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन सर एक्सपीरियंस के मामले में भी आप सर ही हैं सर, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस, जिसको ज्यादा टाइम फॉर नॉलेज हो मेरे कुछ ख्याल से। नहीं, तो नहीं वैसा लेकिन मैं कुछ कोशिश नहीं। करूंगा, भाई बोलूंगा। जी बिल्कुल, भाई हैं आप। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो मैं अपना दर्शकों के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो थोड़ा बताइए आपके बारे में, आप क्या करते हैं, कि कितना दिन तक आप इस हॉबी में हैं, किस तरह से आप इस हॉबी में आए, तो थोड़ा डिटेलिंग दे देंगे तो अच्छा होगा मेरे व्यूअर्स के लिए भी। जी 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 बिल्कुल। पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम मिराज है और मैंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मुझे, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुके। मार्च से एक्चुअली स्टार्ट किया, जब लॉकडाउन आया था तो मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं था करने को, तो एक्वेरियम्स आजकल बहुत ज़्यादा हो गए थे, इस हॉबी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बनाऊं, एक चैनल मैं भी क्रिएट करता हूं, क्योंकि लोगों के वीडियोज़ देखता था, आपके वीडियोज़ देखता था, और भी कई लोग हैं उनके वीडियोज़ देखता था, तो मुझे खुद भी आइडिया है कि ना मैं भी स्टार्ट करूं, लोगों से कनेक्ट करूं, बातें करूं, क्योंकि मैं भी एक्चुअली बेसिकली मैंने रिसेंटली प्लांटेड के बारे में बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है बनाना, और उससे रिलेटेड जितनी भी स्पीशीज़ हैं, फिशेस जो इसमें हॉबी में यूज़ होती हैं या प्लांटेड में आती हैं, उनके बारे में पढ़ने लगा। तो जैसे जैसे उनके बारे में पढ़ रहा था तो दिल करता था सारी मछलियाँ सब चीज़ें मैं लेकर आ जाऊँ, तो यही रीज़न था कि जो है मेरे एक्वेरियम्स बढ़ गए, और जब बढ़ गए तो वही एक रीज़न बन गया कि मैं अपना एक चैनल बनाता। और रही बात आपने पूछा कब से इस हॉबी में हूँ, तो हॉबी मेरे ख्याल से फिशेस मेरे घर पे हमेशा से रही हैं, मेरे दादा को भी शौक था, मेरे फादर को भी शौक था, उनका एक्वेरियम था तो उसमें फिशेस थी, मैं ही ला के डालता था, सफाई वो करते थे स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे मैंने टेक ओवर कर लिया, अपने हिसाब से फिश लाता था तो ये बचपन से चला आ रहा है, लेकिन कुछ एक साल से ये बहुत तेजी से बढ़ गया है, थोड़ा ज्यादा डेवलप हो गया है, इस हॉबी में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गया हूँ मैं। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट
कम ज्यादा हर लोगों का यही स्टोरी है अगर पूछेंगे तो, मतलब पहले एक बिल्कुल टैंक से जी स्टार्ट होता है और फिर, बट आपका एक चीज जान के अच्छा लगा मुझे कि आपका ये हेरिडिटी है ऑलमोस्ट, आपके दादा के पास से आपके जी पास आया जी बहुत जी कम जी जी लोग होंगे आता जिसको ये मतलब इस तरह और से हेरिडिटी में मिला होगा ये हॉबी जी। इवन तो मेरे बच्चों को, अब मेरे मछली मेरे बच्चों को भी मेरी फिशेस का नाम पता है, उनको भी ओ थोड़ा सा मन होता है, दिल करता है कि जब भी मैं खाना दे रहा हूं तो वो आके रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे फीड करने दो। तो अगर मैं दे ओके चुका होता तो मैं बोल देता हूँ बेटा अभी नहीं, अभी तो मैंने खिला दिया है, कल आना, कल सेम टाइम पे हाँ मेरा बेटा भी आना। की मेरे बेटे का भी वही हालत है। तो कितना बच्चे हैं आपका, बेटा दो बेटी? है, दो बच्चे, अच्छा एक लड़का है एक लड़की। जी जी अच्छा दोनों, एक अच्छा 5 साल का, 6 साल का। ओके, तो आप उनका नाम बताना चाहेंगे मेरे चैनल पे? मेरे लड़के का नाम मोहम्मद है और लड़की का नाम मायशा। अच्छा, जी बहुत जी जी बहुत अच्छा नाम है। आप सर, आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक ही बेटा है आयुष्मान, हाँ अगर आप अच्छा मेरे अच्छा चैनल को फॉलो करेंगे तो उसका कुछ वीडियो तो मिल ही जाएगा आपको चैनल पे। जी, अभी देखा थोड़ी देर पहले, आपसे बात हो रही थी वो आ हाँ वही वो आता गए रहता थे। है वही, तो पापा से अभी धीरे धीरे करके नेक्स्ट जनरेशन पे हॉबी जा रहा है जो कि बहुत अच्छा है। करेक्ट यूजुअली प्लांटेड एक्वेरियम का जो हॉबी है ये तो मतलब बाहर बहुत दिन से हो रहा था, सिंगापुर, जी मलेशिया, यूएस, यूके, मेनली अभी तक वहीं पे ये फ्लरिश कर रहा है, बट इंडिया में ये फ्लो धीरे धीरे करके आ रहा है लास्ट हाँ दस हाँ बारह बढ़ साल रहा से। मैंने जहां तक जी नोटिस किया है लास्ट 10-12 साल है जब ये प्लांटेड एक्वेरियम का इतना ज्यादा मतलब लोग इतना ज्यादा हॉबी में आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा ट्रेंड हाँ है और मुझे लगता है कि ये काफी टाइम तक रहेगा। तो जी जी अच्छा है कि हम लोग इनिशियल लेवल पे ही स्टार्ट किए हैं और काफी सारा चीज बिल्कुल जानना है। तो करेक्ट करेक्ट बिल्कुल सही आप अपना चैनल पे किस तरह का वीडियोस बनाते हैं, मतलब आपका मेन कंटेंट अगर मैं पूछूंगा, जैसे कि आप मुझे पूछेंगे तो मेरा चैनल को अगर फॉलो करेंगे मैं पूरी तरह से प्लांटेड एक्वेरियम में ही हूँ, तो मुझे हाँ जहां तक मालूम जी आता जी है बिल्कुल 3-4 टाइप का तो प्लांटेड मतलब एक्वेरियम होता है, फ्रेश हाँ वाटर हो गया, मरीन हो गया, ब्रैकिश मरीन हो वाटर गया हो गया, तो करेक्ट जी आपका फोकस किस तरफ है, किस टाइप का सर। एक्वेरियम? बेसिकली क्या है सर कि चैनल जब मैंने स्टार्ट किया, जैसे आपको बता रहा था मैंने 4 महीने पहले, 6 महीने पहले शुरू किया है, तो रीजन यही था कि मैं प्लांटेड उस टाइम पे ज्यादा बना रहा था। तो मेरा मेन फोकस जो चैनल पे था, जो मैं वीडियोस मोस्टली डाल रहा था, वो रिलेटेड टू प्लांटेड टैंक्स ही थे। लेकिन मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के कमेंट्स आने लगे मुझे, जिस तरह के क्वेश्चन थे उनके, मोस्टली बेसिक्स क्वेश्चन बहुत आते हैं मैंने नोटिस किया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बेसिक गाइड भी दी जाए, एक टिप दी जाए, यूजली बहुत लोग करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि शायद जितना मैं शेयर कर रहा हूँ, जिस हिसाब से कमेंट्स आ रहे थे, उस तरह उनके बारे में अगर मैं पढ़ता हूँ, उनके बारे में मैं जान रहा था, तो मुझे मेरी नॉलेज भी बढ़ रही थी। तो अगर आपका क्वेश्चन पूछो तो बेसिकली प्लांटेड बेस ही है, लेकिन मैं अच्छा अब सारी बेसिक नॉलेज भी इंक्लूड कर रहा हूँ जिस हिसाब से चैनल में वीडियोस डाल रहा हूँ, तो और भी टॉपिक्स का साथ साथ क्लियर करता हुआ चलता हूँ। ओके फोकस ओके, अगेन प्लांटेड पे है। आपका चैनल पे मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जहां पे आप ब्रीडिंग वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, एंजल्स का हाँ ब्रीडिंग हाँ के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेचुरल जी। मतलब मोस्टली आपका प्लांटेड के ऊपर ही है, बट अभी फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशनल फेज पे है अगर मैं कहूँ तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा सर। ओके कि जो है बेसिकली मैं बेयर बॉटम टैंक भी है मेरा, स्टार्टिंग मेरी बेयर बॉटम टैंक से ही हुई थी। उसमें कुछ मैंने एंजल्स गोल्डफिश डाली थी, धीरे धीरे जब समझ में आया, पढ़ा कि इन फिशेस को साथ ना रखो, तो मैंने अलग टैंक लाया जिसमें मैंने अपने गोल्डफिश शिफ्ट कर दी, बिल्कुल एंजल रह गए, एंजल के पेयर बन गए। तो पेयर बनने के बाद मुझे इसमें इंटरेस्ट जगा कि भाई पेयर बन गए हैं तो उसके लिए एक अलग टैंक लाओ, तो उस वजह से एक और टैंक आ गया। तो मेरे दो तीन टैंक ऐसे हैं जो इस रीजन से बने और ओके इसी वजह से टैंक भी बढ़ते चले गए। तो मैं आपसे जी जी कुछ सर बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ जो कि आपको बेसिकली मुझे लगता है कि हर कोई एक्वेरिस्ट से या फिर आपके भी जितने सब्सक्राइबर होंगे जरूर पूछते होंगे, तो बिल्कुल 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 जी कितने जी टैंक है आपके पास फिलहाल अभी? सर मेरे पास है चार, एक टंकी मिला के मेरे पास 9 9 टैंक है सर, अरे बाप रे, बहुत तो नाइन। मेंटेन कैसे कर लेते हैं इतने सारे 9 को? अरे सर क्या बताऊं सर, हफ्ता भर इसी में निकल जाता है, कभी 4 का पानी चेंज करना है, कभी बाकी 4 का करना है, तो उसके बाद फिल्टर साफ करने की बारी आ जाती है, अब चैनल में भी आ गया, तो हो जाता है सर, कोशिश कर रहा ओके हूँ करूँ। okay. एक्चुअली मेरे ख्याल से प्लांटेड में इतना ज़्यादा मेंटेनेंस होता नहीं है सर, बहुत ईजी है, बस 30% वाटर चेंज करना होता है हर वीक में, जी तो वो कर देता हूँ। प्लस मेरे जो फिल्टर्स हैं वो मैंने थोड़े से बड़े लगा रखे हैं, उनका ओके मकसद यही था, पर्पस यही था कि मैं इनको ज्यादा से ज्यादा क्लीन ना करूं और अच्छा फिल्ट्रेशन भी रहे, तो ये जी रीजन था। और मेरे जो फिल्टर्स हैं मैं उनको 1 2 महीने में साफ करता हूँ, ये तो कहने की बात है मैंने कह दिया,
कि जो नंबर लगता है मजाक के तौर पे, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं 1 मंथ में या 1.5 मंथ में अपना फिल्टर साफ करता हूँ। छोटा फिल्टर है तो जल्दी करूंगा, ठीक है, बड़े फिल्टर को मैं 1 मंथ से पहले नहीं करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी 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 ओके। और मुझे जानने का ये बड़ा एक बात और कहना चाहूंगा सर, हाँ, हॉबी है, इतना ज्यादा पैशनेट हो गया हूँ, इतना शौक बढ़ गया, 9 टैंक इसीलिए, तो इसलिए खलता नहीं है, कर देता हूँ। ओके चलिए अच्छा है। जी लेकिन जी मुझे ये चीज जानने का बहुत मन कर रहा है कि आपके घर वालों का क्या नजरिया है, ये जो आपका बढ़ते हुए टैंक का ये आबादी है, इसे देखते हुए आपके घर वाले क्या कहते होंगे? अरे सर पहले तो नहीं पापा मतलब जी कहते थे मैं अगर पर्सनल हो रहा हूँ तो थोड़ा आप यहाँ पे नहीं नहीं अवॉइड कर सकते बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर बिल्कुल मैं जानता हूँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। बहुत लोग आके मजाक करते थे, क्या बेटा आज तुम एक्वेरियम में तुम ही रहने लगो, सभी मुझसे ये कहते थे। लेकिन ठीक है सर, घर वाले जानते हैं कि अब इसका शौक है, और प्लस मैंने जब से चैनल बनाया है तो उनको वो देख के बहुत खुशी होती है। ओके ठीक है, ओके तो ये रीजन भी है कि वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं। शुरुआत में थोड़ा बहुत लगता था मुझे कि बेटा कितने, एक और टैंक आ गया, एक और टैंक आ गया, लोगों के सवाल रहते थे, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कहता है क्योंकि उनको लग रहा है कि शौक है, इंटरेस्ट है, चैनल भी बना रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे ख्याल से उनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बीवी को कभी कभार प्रॉब्लम होती थी, बीवी ने हमेशा जो है ताना दिया है कि आप मछलियों से मुझे ज्यादा, बीवी को आई मीन आप क्या कहते हैं, बीवी से ज्यादा तो मछलियों को टाइम देते हैं, ये हमेशा सुनने को मिलता था। ये लेकिन तो मेरा भी सेम चीज है। हाँ, लेकिन जब से ये चैनल बनाने लगा हूँ तो शी इज बीन वेरी सपोर्टिव, वो साथ में रहती हैं, कभी कभार मेरे वीडियो भी शूट करती हैं, तो शी इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो एवरीथिंग इज गुड नाउ, अब सब सही है सर। गुड गुड ओके। तो आपसे नेक्स्ट सवाल में चला जाऊंगा। आप आपसे अगर मैं पूछूं कि आप अपना व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब आपको अगर पूछा जाए कि डेफिनेटली हर चैनल का कुछ ना कुछ मोटो होता है, जैसे अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं वही तकेशी अम्मानों का कोटी बोलूंगा आपको कि नेचर एक्वेरियम, मतलब नेचर को घर पे लेके आना है। मेन अगर पूछेंगे तो मेरा मोटो ये है कि लोगों को ये बताना कि एक्वेरियम लाना मतलब ये कोई बर्डन नहीं है, ये आपका जो नेचर है पूरा बाहर जो आप हम लोगों ने अब तक डिस्ट्रॉय किया है, बहुत आराम से डिस्ट्रॉय किया है और बहुत मजे से डिस्ट्रॉय किया है, जो जंगल कह लीजिए, जो नदियां कह लीजिए, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा अपने घर में रखने का, और ताकि जो हमारा बच्चा है या नेक्स्ट जनरेशन जो भी है वो कम से कम ये देख पाए कि भाई हम लोग जो देखे थे बचपन में वो कैसा था। करेक्ट जी 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 तो आपका ये आप क्या कहना चाहेंगे आपके व्यूअर्स के व्यूअर्स को इसके बारे में? बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा सर, और मिस्टर तकेशी अमानो का नाम लिया सर, उनका से तो कोई मुकाबला ही नहीं है हम लोग का, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरा बिल्कुल सर, और आई होप वो जहाँ पे भी हैं बिल्कुल खुश हैं, आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने जो भी कहा सर बिल्कुल उन्हीं को ही फॉलो करते हैं, उनके वीडियोज देखते हैं हम लोग, उनसे बहुत कुछ सीखा है। और करेक्ट आपने जो बताया कि एक्चुअली मेरा भी सोच यही है इन टर्म्स ऑफ प्लांटेड, अगर आप बोलो तो ठीक है, आप नेचर एक घर में ला रहे हो अपना, उसको सजा रहे हो, अच्छे से उसका ख्याल रख रहे हो, और स्पेशली आप उसमें जो फिशेस डाल रहे हो, मेरा मानना है सर हमको उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि ये बेजुबान जानवर हैं और स्पीशीज ऐसी हैं जिनको आप अपने एक्वेरियम में रखते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप उनको, आपको उनका ख्याल रखना है। तो आप कोई भी इस हॉबी में आता है जो नया है, जो बिगनर है, अगर इस हॉबी में नया आ रहा है, तो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है, उनको यही है कि आप पहले डिसाइड कर लें, पहले आप अपने डिसीजन ले लें, आप कोई भी फिश लाने से पहले आप उसके बारे में पढ़ लें, उसकी इंफॉर्मेशन ले लें, उसकी नॉलेज ले लें, और वीडियोस देखें, कई लोग वीडियोस बनाते हैं उनको फॉलो करें, तब आप एक एक्वेरियम लाएं, क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं होता है और वो रैंडम फिशेस छोटे या बड़े एक्वेरियम में ला के रख देते हैं। तो मेरा मानना है आपको रिसर्च करनी चाहिए और देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी एक फिश रखें, उसके बाद ही आप एक्वेरियम अपने घर पे लाएं, क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक जो है एक नन्हे से जो जीव होते हैं उनकी जान ले लेती है, तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। और मेरे ख्याल से मैंने बहुत लोगों को देखा है, फर्क भी नहीं पड़ता है, वो अपने एक्वेरियम में मछलियां भरते जाते हैं, एक मरी तो वो दूसरी लेके आ जाते हैं, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि तकीशी अमानो साहब ने कहा है कि नेचर को अपने घर में लाओ, तो अगर आप नेचर को अपने घर में ला रहे हैं तो उसका ख्याल भी रखें, उसके बारे में पहले पढ़ें और उसको जानें। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को करनी चाहिए, जो बहुत लोग नहीं करते, मैं भी नहीं करता था, मैं भी उनमें से एक हूँ जो नहीं करता था, जब से मैं जानने लगा हूँ, मैं इसमें आया हूँ, थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, तो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैं इन चीजों को इम्प्रूव कर रहा हूँ कि ऐसा ना करूँ।
तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसा ही करें अपने घर पे, आपके एक्वेरियम है अगर ला रहे हैं तो उसका ख्याल रखें, उसे टाइम दें। बिल्कुल, टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा इस बारे में। और हाँ बिल्कुल, हम लोगों को, सारे लोगों को ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना ही चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, फिश कीपिंग एक हॉबी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाता है। बिल्कुल सही किस बात है। तरह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे एक जानवर का, आप चाहे मान लीजिए अगर दूसरा कोई पेट्स रखते हैं, मान लीजिए डॉग रखते हैं, कैट रखते हैं, कुछ रखते हैं, तो उसमें क्या है कि उसका एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। लेकिन फिश के करेक्ट, मामले में बिल्कुल क्या सही। है, इसका एक्सप्रेशन क्योंकि एक शीशे के बॉक्स में ही बंद है, तो आप हाँ जब तक उसको नोटिस नहीं करेंगे, जब तक आप उसको टाइम नहीं देंगे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो मुझे नहीं जी लगता कि ये पॉसिबल है कि किसी को भी ये जानना कि क्या चाहिए, कब चाहिए। तो ये जी बिल्कुल जी सही बिल्कुल कहा सही कहा आपने। सर हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आपका पहला टैंक, जी। डेफिनेटली पहला तो आपका एक ही टैंक आया था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर मैं मतलब डिफिकल्टी क्या फेस किए थे आपने, अगर मैं पूछूं तो? डिफिकल्टी सर बस एक ही थी कि वो बहुत भारी था सर, और मेरा घर दूसरी मंजिल पे है सर, मुझे चढ़ाने में हालत खराब हो गई थी। मेरा पहला टैंक 5 फीट का था, जो मैंने खुद बनवाया था, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि मेरे फादर का जो देखते थे, हाँ तो वो हाँ बेसिकली वॉल वाला था, दीवार पे ओके जो ग्लास लगा देते हैं वो हाँ था। हाँ तो घर ओके पे, तो ओके हमारे घर में कुछ चेंजेस हुए, मैं यहाँ था नहीं, मैं बाहर था। तो एक वजह और भी है कि मेरे पास 9 टैंक है, क्योंकि मैं 10 साल इंडिया में नहीं था, मैं दुबई में जॉब करता था सर। ओके ओके तो वहां पे मेरी वाइफ ने मुझे कभी लेने नहीं दिया, उसने कहा आप टैंक ना लो, क्योंकि यहाँ पे तो रहना है नहीं, टेम्परेरी रह रहे हो, तो आप टैंक क्या करोगे, कितनी देखभाल करोगे। हमने ठीक है, तो वो जो 10 साल की जो मेरी रिवेंज दोस्त ले रहे हैं था, अभी। नहीं सर वो देख लेगी तो मुझसे रेवेंज ले लेगी अभी। तो नहीं, बेसिकली 10 साल जो मैं एक्वेरियम की शॉप के बाहर खड़ा रहता था, फिश ताकता था, ये वही नतीजा है कि मैंने पहला टैंक ही 5 फीट का बनवाया था। तो डिफिकल्टी बस यही आई थी कि मुझे उसको 3 मंजिल ऊपर लेके चढ़ना है, मेरा घर थोड़ा ऊपर है, लिफ्ट वगैरह होती नहीं हमारे घरों में, तो मेरा जी पोर्शन जी ऊपर वाला है, तो उसको लाना, एक 12 mm का ग्लास आप जानते हैं कितना भारी भारी होगा, होगा, बिल्कुल और बिल्कुल। जीने जीने भी पतले थे, तो 2 नीचे किसी मुसीबत से, 2 ऊपर। तो उसके बाद सर कोई दिक्कत नहीं हुई, और मेरे ख्याल से फिशेज ला के मैंने डाल दी थी, जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, मैं रैंडम फिशेज ला के रखी थी। और वाटर चेंज के मामले में, फिश केयर के मामले में थोड़ा स्टार्टिंग से ही मैं प्रिकॉशियस था, हर हफ्ते मैं रूटीन मैंने बांध रखा था कि मैं पानी चेंज करूंगा। जी फिल्टर जैसा बताया, मैं फिल्टर पहले स्टार्टिंग से ही बड़ा लेकर आया था, मेरे पास कैनिस्टर फिल्टर था उस 5 फीट के लिए, जो उस साइज के एक्वेरियम के लिए सफिशियंट था। तो ओके ये चीजें मैंने शुरू से ही सर ध्यान रखी थी। तो काफी सारा और होमवर्क आपने ऑलरेडी कर लिए थे टैंक सर बनाने से बहुत भरा पहले। हुआ था अंदर, सब भरा था कि मैं इंडिया जैसे जाऊंगा तो सबसे पहली चीज टैंक लूंगा, और यकीन मानिए पहली ओके चीज ही मैंने ये करी थी। ओके इंडिया में आया हूं मैं जनवरी में 2018 में, और ओके फेब की लास्ट तक मैंने टैंक ले लिया था। ओके तो बढ़िया थोड़े है। चेंजेस थे, थोड़ा शिफ्टिंग में काम था, इसलिए डिले हो गया 1 महीना, नहीं तो मैं फौरन लेता। चलिए, सुन के बहुत अच्छा लगा। सर मैं एक चीज आपको और बोलना चाहूंगा सर, मेरी फिशेस जो है मरती नहीं है सर, मैं आपको बहुत बता बढ़िया, जाऊंगा, मेरे पास जो फिश है मैं एंजल फिश रखता हूँ। मैं अपने आपके व्यूवर्स से, जो आपको और हमको देखेंगे, मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि अपनी फिश का, मैंने पहले भी कहा था मैं रिपीट करूंगा, उनका ध्यान रखें, आप अपने वाटर चेंज पे फोकस करें, जी अपने बिल्कुल। फिल्टर्स हमेशा को साफ करें, और ज्यादा फिशेज भरे नहीं। अगर आपको ज्यादा फिशेज रखनी है तो उसी हिसाब से एक्वेरियम बनाएं, बड़ा एक्वेरियम लाएं। शुरू से आप केयरफुल रहेंगे तो आपकी फिश हमेशा हेल्दी रहेगी। इन फिशेज की लाइफ सर 10 साल, 15 साल, 20 साल होती है, हर वैरायटी की अलग होती है, और इनको उतना लंबा रखना कोई मुश्किल काम नहीं है सर, जी अगर बिल्कुल, आप उनका थोड़ा केयर बहुत करेंगे। केयर करेंगे तो राइट जी राइट जी 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 कभी कभार कैजुअलिटी हुई है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं गई है, लेकिन बहुत ही मिनिमम है सर। मेरे पास आज भी जो हाँ मछली है जो 2 साल पुरानी है सर, जी। मेरी कार्फ और मेरी एंजल फिश सब पुरानी है, मैं छोटी छोटी लाया था, आज बड़ी हो गई है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई, आप फिश कीपिंग हॉबी में इतने दिन से हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल पकड़ लीजिए, 1 साल से थोड़ा ज्यादा, और पहले जी बचपन का जो एक्सपीरियंस है उसको मिला के भी, तो कौन सा चीज है जो सबसे अच्छा लगता है आपको इस फिश कीपिंग में? मतलब इसमें तो बहुत सारे चीजें हैं, जैसे DIY प्रोजेक्ट बनाना हो गया, नए नए फिश एक्सप्लोर करना हो गया, स्केप हाँ बनाना हो गया, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लाइन है एक एक हॉबी में। ये हाँ ऐसा एक हॉबी है जो बहुत सारे चीजों को जोड़ता है साथ में, तो जी इसमें जी से जी सबसे ज्यादा आप एंजॉय किसको करते हैं? सर मेरे ख्याल से सर अपार्ट फ्रॉम एक नया टैंक सेट करना, जिसको करने में बहुत मजा आता है, अंदर से चाह होती कि मैं नया टैंक सेट करूं, लेकिन जो मोस्ट
चीज जो मैं एंजॉय करता हूँ, जो देख के मुझे खुशी होती है, एक्चुअली एंजॉय क्या करता हूँ, मुझे देख के खुशी होती है, जब मेरी एंजल फिश जो है अंडे देती हैं, यूजली हर 15-20 दिन पे या 20 या 25 दिन पे वो अंडे दिया करती हैं, तो वो टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हालांकि एक साल से वो कर रही हैं ये प्रोसेस, ऑलमोस्ट एक साल हो गया दे रही हैं, सक्सेसफुल बहुत ही कम हो पाया हूँ मैं। हर बार मेरे बच्चे बच नहीं पाते हैं, हर बार खा जाती वो हैं, हर बार फिशेस खा भी जाती हैं, और मैं खुद भी मैंने उनको अलग करके मैंने रेस करने की कोशिश करी है, तो उस चीज़ के लिए मैं खुश तो बहुत होता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि टाइम, सर आपने जो पहले कहा था कि ऑलरेडी 9 टैंक्स में उलझा रहता हूँ आजकल, फिर वीडियोज भी बनाने हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट घर है, फैमिली है और ऑफिस भी है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस के काम वगैरह हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। आप को अगर ब्रीडिंग करनी है, ये एक अलग लेवल है जी। खुशी बहुत होती है लेकिन इसके लिए भी आपको अलग टाइम देना पड़ेगा। तो सर इस पार्ट में मुझे बहुत खुशी होती है जब भी देती है, बहुत बार दे चुकी है लेकिन हर एक बार जब भी देती है तो मेरा दिल बस यही करता है कि मैं इनको किसी तरह से बचा लूं या किसी तरह से बच्चे निकल आए। कई बार हुआ भी है, सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन रेट ज्यादा हाई नहीं थे। उसका रीजन सिर्फ यही है कि लैक ऑफ टाइम, टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, उनके ऊपर फोकस करना है। तो बाकी रहा प्लांटेड, जब भी प्लांटेड आते हैं, प्लांट आ जाए तो आजकल अगर आप देखो तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी अब के टाइम को देखते हुए यही लगती है कि किसी तरह से मेरे प्लांट्स आ जाएं, जो कि 3-4 महीने से ऑर्डर लगा हुआ है, अगर वो आ जाते हैं तो मेरे सारे टैंक सेट हो जाएंगे, मेरी दुआ पूरी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इस वक्त का सबसे बिग मोमेंट यही रहेगा कि मेरे एक्वेरियम प्लांट्स आ जाएं। तो इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन में हम आ जाएंगे, जब आप नया टैंक बनाते हैं तो कौन कौन सा ऐसा चीज होता है जिसपे आप फोकस करते हैं? तो सर ये मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है कि कोई भी हॉबीज जो इसमें नया आ रहा है वो पहले क्या बनाना चाहता है। मेरे ख्याल से अगर कोई बिगनर है तो पहली बार इस हॉबी में आ रहा है तो उसके लिए मैंने पहले बोल ही चुका हूँ कि आप फिश के बारे में पढ़ें, उसके हिसाब से टैंक बनवाएं और नंबर ऑफ फिशेज ज्यादा ना रखें, जितनी कैपेसिटी हो टैंक के हिसाब से उतना ही रखें। तो ये सारी चीजें होती हैं, फिल्टर वगैरह सब देख के लगाएं। और अगर आप प्लांटेड लगाते हो तो ठीक है, हाँ, और अगर आप प्लांटेड टैंक कोई सेट कर रहे हो, अगर कोई इस हॉबी में ऑलरेडी है, वो अपना पहला एक्सपीरियंस प्लांटेड का लेना चाहता है, पहली बार बनाना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए मैं तो उसके लिए रिसर्च करना मैं यही कहूंगा, वो थोड़ा रिसर्च करें, देखें, क्योंकि प्लांटेड टैंक में यूजली आप वही बनाते हो जो नेचर में होता है, जो नेचर को देख के जिस तरह से आप प्लांट्स लगाते हो या आप एक लेआउट तैयार करते हो, वो एक नेचर को डिपेक्ट करे जिस हिसाब से आपके चारों तरफ इन्वायरमेंट है, जिस तरह से जंगल्स होते हैं, उस हिसाब से आप अपने डिज़ाइन को प्रिपेयर करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाँ, मैं एक ये भी एक और टिप देना चाहूँगा या सजेशन देना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो प्लांटेड टैंक बना रहे हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि छोटे से स्टार्ट करें, और छोटे से मतलब है एटलीस्ट 1 या 1.5 फीट का टैंक लें, क्योंकि ये हॉबी थोड़ा सा कॉस्टली भी हो जाती है अगर आप प्लांटेड टैंक में आते हो, ये भी एक रीज़न है। और दूसरी चीज़, अगर आपको पहला एक्सपीरियंस इसमें ले रहे हो, आपसे थोड़ी भी गलती होती है, इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी आने के चांसेस हैं। अगर आपको लाइट और वाटर केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज अगर नहीं है, इनिशियली मुझे भी नहीं थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, उसके बारे में आप एक रिसर्च करें, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों में फेल हो जाते हो, इन सब चीज़ों में कोई भी गलती करते हो, तो आपके टैंक में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं स्टार्टिंग में। तो एक रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक आप प्लानिंग कर लें और अपने बजट को देखते हुए उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करें और वैसे एक टैंक बनाएं। जी जी बिल्कुल, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मरीज भाई, और नेक्स्ट वीडियोस में जरूर हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो निकालेंगे सर, और काफी सीरीज बनेगा इसका, तो आप भी आते रहेंगे मेरे चैनल पे। ये बहुत खुशी का बात है कि दोनों भाई बैठ के वीडियो बना रहे हैं, हालांकि आप मुझे पूरा वीडियो के दौरान सर ही कहे हैं, आशा करते हैं नेक्स्ट वीडियो तक ये चेंज हो जाएगा। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आया बात करके। तो हमें, मुझे लगता है कि हमें रेगुलर करना चाहिए जी, बिल्कुल, पब्लिक को, लोगों को भी पसंद आएगी ये चीज जी, और इस तरह से अगर हम लोग ये मीटिंग और इस तरह से हम लोग अगर एक दूसरे से हमें कन्वर्सेशन में रहेंगे तो मेरे ख्याल से हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी और जो हमें देख रहे हैं उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो जरूर बढ़ेगी सर, क्योंकि आप बॉस हैं, आप प्रो हैं सर। तो अरे वैसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम सारे एक ही स्कूल के, हम सारे स्टूडेंट्स हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कोई ज्यादा कुछ कम नहीं है। हालांकि ये हो सकता है कि मैं थोड़ा पहले से आपसे थोड़ा पहले मैंने स्टार्ट किया,
ये मतलब मैं हॉबी में थोड़ा पहले आया और मैं थोड़ा जी रिसर्च जी थोड़ा पहले से कर रहा था, इसका ही नतीजा है और जी कुछ नहीं। धीरे धीरे करके आप लेकिन करेंगे तो आप भी पता, आपको भी पता चलेगा काफी सारी करेक्ट चीजें। करेक्ट करेक्ट सर, तो लेकिन फिर थैंक यू वेरी मच, आपने ऐसे इनवाइट किया मुझे और बात करी, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे और बहुत जल्दी आएंगे दूसरा वीडियो के साथ, मरेश भाई के साथ। और आप बिल्कुल लोगों को बिल्कुल अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मरेश भाई का चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उनको भी चैनल थैंक उनका यू वेरी चैनल को भी मच, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम दोनों का वीडियो दोनों के चैनल में जाएंगे। ये बिल्कुल वीडियो मेरे बिल्कुल चैनल पे रहेगा, उनके चैनल पे दूसरा वीडियो आएगा, तो ऐसा नहीं है कि आप सेम वीडियो उनके चैनल पे भी देखेंगे। और हाँ आशा हाँ करते हैं कि ये इसके जरूरी जरिए है आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ, हम लोगों का मेन यही अटेंशन है, मेन टारगेट यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो आप लोग व्यूअर्स है, आप लोगों को एडवांटेज, आप लोगों को बेनिफिट मिले और आप जी लोग भी हम लोगों के साथ ही जी सीखिए। बहुत जल्दी मिलते गुड हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। नाइट गाइस, टेक केयर सर, थैंक यू वेरी मच।